अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और एरोब्लेड ने हमें यहां पे कुछ एक्सेस सीरीज भेजा है दो अलग अलग स्मार्टफोन्स के लिए। जैसे कि सबसे पहले शाओमी 11 लाइट एनी 5G के लिए या फिर शाओमी 11 लाइट के लिए एंड दूसरा दोस्तों वन प्लस नॉट 2 के लिए। तो हम लोग इन एक्सेस सीरीज को ट्राई आउट करेंगे, टेस्ट करेंगे इन दोनों डिवाइसेज में एंड मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एक्सेस सीरीज कैसे हैं। जैसे कि दोस्तों शाओमी 11 लाइट एनी 5G के लिए यहां पे हमें मिलता है एक टेम्पर्ड ग्लास, एक बैक कवर और साथ ही साथ यहाँ पे बैक में प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक स्किन दी गई है या फिर आप कह सकते हो बैक ग्लास प्रोटेक्टर आपको दी गई है एंड यहाँ पे वन प्लस नॉट 2 के लिए हमें यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास भेजा गया है। सो लेट्स चेक इट आउट कैसा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनके टेम्पर्ड ग्लास से एंड देखते हैं कि कैसा है इनकी क्वालिटी। तो Xiaomi 11 Lite एनी 5G पे हमने ये टेम्पर्ड ग्लास लगाने की कोशिश की एंड बहुत ही ईजिली दोस्तों ये लग जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इसके क्वालिटी के बारे में तो सच में गाइस जो टेम्पर्ड ग्लास है उसकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त क्वालिटी है। जो पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे कोटिंग दिया गया ओलियोफोबिक कोटिंग जिसके कारण जो फिंगर्स है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर स्वाइप होते हैं और साथ ही साथ ये 2.5D कर्व्ड वाले जो है टेम्पर्ड ग्लास है यानी कि इनके जो एजेस है वो बिल्कुल वैसे ही फील होते हैं जैसे कि आपके फोन का नॉर्मल स्क्रीन यानी कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फील होता है, स्वाइप करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड मैं आपको बता दूं पहले से इसके ऊपर प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड चिपकी हुई थी या फिर वन प्लस नॉट 2 के ऊपर इस प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड चिपकी हुई थी जो कि मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है एंड ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास एंड सच में ये टेम्पर्ड ग्लास कमाल की क्वालिटी के साथ में आता है। हमने पहले भी एरोब्लेड के टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया था एंड उस वक्त जो है इतनी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी में नहीं आई थी लेकिन दोस्तों अभी एरोब्लेड बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट्स को एंड सच में इस बार टेम्पर्ड ग्लास इज रियली रियली इंप्रेसिव। उसके अलावा दोस्तों कटआउट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा S2S टेम्पर्ड ग्लास में ऐसा होता है कि कई बार दोस्तों कॉर्नर्स में साइड्स में यहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम दोस्तों हल्के फुल्के डस्ट आते हैं जो कि नॉर्मली दोस्तों आ सकते हैं। तो ओवरऑल टेम्पर्ड ग्लास इज रियली लुकिंग कूल। सेम किस्सा है दोस्तों वन प्लस नॉट 2 पे भी एंड इस पे भी अप्लाई करना बहुत ही ईजी था मेरे लिए। एंड इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा दोस्तों, ईजिली दोस्तों ये A to Z यानी कि एंड टू एंड पूरी तरह से चिपक गया दोस्तों। एंड अगेन वन प्लस नॉट 2 में जो टेम्पर ग्लास इन्होंने प्रोवाइड कराया दोस्तों वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। नाउ दोस्तों दोनों ही टेम्पर ग्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के लेकिन दोनों में मैंने एक चीज़ हल्का सा नोटिस किया एंड वो ये है कि जो वन प्लस नॉट 2 का टेम्पर ग्लास है वो मुझे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वन प्लस नॉट 2 के मैं जब साइड्स में ऐसे स्वाइप करता हूँ तो मुझे ज़रा सा भी हार्ड फील नहीं होता क्योंकि दोस्तों 2.5D कर्व्ड ये भी है, वो भी दोस्तों दोनों ही 2.5D कर्व्ड है बट स्टिल ऐसा फील होता है कि ये पूरी तरह से स्क्रीन में ब्लेंड कर गया हो। बट हल्का फुल्का दोस्तों मी 11 लाइट का जो टेम्पर ग्लास है इसमें हल्का फुल्का दोस्तों यहाँ पे स्वाइप करने पे पता चल जाता है कि जी हाँ टेम्पर लगा हुआ है। सो अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है एंड दोनों ही टेम्पर ग्लास काफ़ी अच्छे हैं बट आई प्रीफर कि वन प्लस नॉट 2 वाला क्वालिटी अगर सभी ग्लास के लिए आए तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों टेम्पर ग्लास तो काफ़ी अच्छे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बैक स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में। तो पहले जो ये पूरा का पूरा मैट बैक में आता था क्योंकि इसमें ग्लास की बैक है दोस्तों अब ये ग्लॉसी बन चुका है। ग्लॉसी इसलिए बन गया है क्योंकि इसके ऊपर हमने जो लगाया है यहाँ पे बैक ग्लास प्रोटेक्टर स्किन। वैसे दोस्तों बैक में टेम्पर्ड की जरूरत नहीं है एंड ये स्किन से काम चल जाएगा एंड ओवरऑल दोस्तों सच में अगर आपको बैक के ग्लास को स्क्रैचेस वगैरह से बचाना है तो ये स्किन बहुत ही अच्छे से काम करता है। पूरी की पूरी दोस्तों प्लास्टिक स्किन है लेकिन बहुत ही अच्छे से चिपक गई है दोस्तों, बिल्कुल भी एयर बबल नहीं है एंड आप इजिली दोस्तों चिपका सकते हैं। सिंपली आपको कैमरा के मॉड्यूल से अलाइन करके लगाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी एंड बिल्कुल ही सीधी सीधी ये स्किन जो है लग जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये स्किन की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे स्किन है टेम्पर्ड नहीं तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं है बट अगेन दोस्तों एज टू एज बैक की ग्लास को भी ये पूरी तरह से कवर कर ले रहा है। हाँ बस यही है कि स्किन लगाने के बाद ग्लॉसी हो जाएगा बट फिंगरप्रिंट तो अभी भी नहीं दिख रहे तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों इसके बैक के स्किन के बारे में। फाइनली दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू दिस बैक कवर। सो दे सेंड मी दिस बैक कवर और ये जो बैक कवर है दोस्तों सच में अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा है। सबसे पहले चीज़
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि Mi 11 Lite 5G दोस्तों बहुत ही स्लिम फ़ोन है, तो ये जो बैक कवर है थोड़ा सा मोटा कर देता है। सो यू विल फील, ऐसा लगेगा कि जी हाँ हमारा फ़ोन मोटा है, बट इतना भी ज़्यादा मोटा नहीं लगता। एंड मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो साइड्स में दोस्तों यहाँ पे दिए गए, इससे ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब आप देखेंगे दोस्तों कि साइड में ट्रांसपेरेंट टाइप का बनाया गया है, ये मुझे कुछ न्यू तरह का डिज़ाइन लगा। जी हाँ, ये फ्रॉस्टेड बैक कवर ही है, बट स्टिल इसके साइड्स मुझे या फिर ऊपर नीचे के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। रेड कलर का बटन से बहुत ही अच्छा एक्सेंट भी आता है दोस्तों। एंड बैक में क्योंकि दोस्तों फ्रॉस्टेड है, तो आपका डिज़ाइन भी नहीं छिपेगा। और एक बात है कि इसमें जो कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर है दोस्तों। अब ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में कि अगर आप रफ सर्फिस पर यूज़ करते हैं एंड बालू गिट्टी वगैरह पर फ़ोन को रख देते हैं, तो आपका कैमरा तक तो भाई वो पहुँचेगा ही नहीं, बिकॉज बहुत ही अच्छे तरह से दोस्तों ये अंदर में है, बहुत ही ज़्यादा अंदर है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अंदर होने का एक और इशू ये है कि डस्ट वगैरह जो है ज़्यादा आसानी से इसके कैमरा पर लग जाते हैं, तो वो जल्दी फिर क्लियर होते नहीं, तो आपको बैक कवर निकाल करके साफ करना पड़ता है। बट ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा बैक कवर है बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, फ्रंट में बैक में हर तरफ से प्रोटेक्ट करता है, ड्रॉप वगैरह प्रोटेक्ट कर देता है दोस्तों, क्योंकि पतला फोन है तो प्रोटेक्टिव बैक कवर चाहिए। तो जी हाँ, ये प्रोटेक्ट करता है अच्छे से। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही तगड़ा तरह से फिट होता है, मतलब पूरी तरह से पकड़ लेता है दोस्तों, ये इसका जो बैक कवर है दोस्तों पूरी तरह से फोन को पकड़ लेता है। इसलिए अगर मैं इसे हाथों से भी निकालूं तो बहुत ही टाइटली ये फिट है, तो बहुत ही मुश्किल से ये निकलता है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा जो फोन है वो बैक कवर में बिल्कुल ही सेफ है। एंड बैक कवर की क्वालिटी अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फ्रॉस्टेड है एंड सिंपल है, क्यूट है एंड देखने में अच्छा लगता है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा एरोब्लेड के कुछ कुछ एक्सेसरीज जो कि हमारे पास आए थे, जिनका हमने रिव्यू कर दिया दोस्तों। आप बताओ आपको कौन सी एक्सेसरीज अच्छी लगी, एंड जो भी आपको बाई करना है मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इन्हें बाई कर सकते हो। एंड बाई करने के बाद दोस्तों आप भी यूज़ कर सकते हो एरोब्लेड के एक्सेसरीज को अपने फोन्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।